किसी देश की सुरक्षा किस पर डिपेंड होती है? ऑफकोर्स वहाँ की प्रतिरक्षा प्रणालियों पर। किसी भी राष्ट्र के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली क्यों जरूरत होती है? सीधी बात है, जो मैंने पहली लाइन बोली, उस राष्ट्र की सुरक्षा पर। अब बात यह होती है कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली की में आपको क्या क्या चाहिए होता है? बहुत सारे प्रक्षेपास्त्र, बहुत सारे फाइटर प्लेन्स, लड़ाकू विमान, बहुत सारे टैंक, बहुत सारे गोला बारूद, बहुत सारे प्रक्षेपास्त्र। सो मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ यह है कि एक्चुअल में किसी भी राष्ट्र के लिए जहाँ पर डिफरेंट तरह के विकास होने ज़रूरी हैं, यानी निर्माणकारी, वहीं पर कुछ विध्वंसकारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं जो किसी न किसी तरीके से उस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती हैं। सो उसी सुरक्षा को देखते हुए हमें अपने शत्रु राष्ट्रों से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अग्नि पी की भी आवश्यकता है। अग्नि पी क्या है, क्यों समसामयिकी में ये जुड़ा हुआ है, इसकी आवश्यकता क्या थी, हाल ही के दिनों में जो समाचार पत्रों में रहा है उस पर लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सो आइए दोस्त, मैं डॉक्टर रवि अग्रवाल आप सबका अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रवाल है, मैंने PhD दिल्ली से की है। मेरी एक संस्था है गोरखपुर में, पूर्वांचल आई फेस टू फेस संस्था मैं चलाता हूँ, या मैं आपको साइंस विज्ञान तकनीकी पर्यावरण पढ़ाता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने DST के एसोसिएशन के साथ IIT दिल्ली में कुछ रिसर्च साइंटिस्ट वर्क भी किया है। 18 वर्षों से मैं पठन का कार्य कर रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी सिविल परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। मेरी एक छोटी सी किताब है मैग्रा हिल पब्लिकेशंस पर आती है, जो साइंस टेक और पर्यावरण की आती है, जो हाईली सेलिंग बुक में है। इस समय पूरे इंडिया में UPSC सेगमेंट में काफ़ी लोगों ने पसंद किया, काफ़ी बच्चों ने सेलेक्ट होकर इसके बारे में बताया भी है। सो आगे बढ़ते हैं। मेरा जो PDF है, जो आप मुझे सुन रहे हैं, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा rupsc_academy पर, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सेव योर टाइम, अकेडमी पर मेरा प्रोफाइल है जो आपको unacademy.com/rupsc2010 पर मिल जाता है। यहां मेरे सारे के सारे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, यहां पर आप मुझे सुन सकते हैं। ये मेरा कोड है रवि UPSC पास कोड, जहां पर आप कभी भी कोई कोर्स ज्वाइन करते समय इसे यूज कीजिए, और जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट 10% आपको मिलता है वो मेरे रवि UPSC कोड से मिलता है। तो एंजॉय दिस ऑल द एंटायर कोर्सेस। ये दोस्त लास्ट में एक बात और आपको बता दूं, बहुत जरूरी है, 23 दिसंबर से अनअकैडमी का प्लस कॉम्बो कोर्स और प्लस GS जो सब्सक्रिप्शन है उसके प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, जो हाइक आपके सामने हैं। और अगर आप इसके पहले कोर्स ले लेते हैं आज मिडनाइट तक, तो आप 3 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हैं, ये प्राइस हाइक होने से भी बच जाएंगे। रवि UPSC कोड पर और भी जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। आइए बात करते हैं अग्नि पी प्राइम पर। देखिए ऐसा होता है कि भारत एक प्रोजेक्ट लाता है, स्पेशली हमारा जो DRDO है, यानी प्रतिरक्षा अनुसंधान विकास संगठन, DRDO, जिसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये 1983 में एक प्रोग्राम लेकर आता है जिसका नाम है IGM-DP प्रोग्राम। अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, आंग्ल भाषा में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में इसको कहते हैं समन्वित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। ये इसे हिंदी भाषा में कहते हैं। ये कार्यक्रम जो होता है 1983 में लाया जाता है, और ये बोला जाता है इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत कुल 5 प्रकार के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र बना लेगा, कुछ 5 प्रकार के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र बना लेगा आने वाले 2007 तक। वो अलग बात है कि ये प्रोग्राम मई 2008 में बंद होता है, और भारत जो 5 प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों को बनाने की बात होती है उनका नाम है मित्र पटना। पटना का मतलब होता है ये 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो PATNRA नाम से ही शुरुआत होते हैं। पी फॉर पृथ्वी, ए फॉर अग्नि, टी फॉर त्रिशूल, एन फॉर नाग और ए फॉर आकाश। इसी में से अग्नि के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अग्नि में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ नया अग्नि आया है, जिसे हम अग्नि पी या प्राइम के नाम से जानते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र होते हैं ये होते क्या हैं? देखिए, जब हम किसी प्रक्षेपास्त्र को उसके लॉन्चिंग के हिसाब से पढ़ते हैं, मतलब जो हम उसे भेजते हैं किसी जगह पर, तो वहाँ 2 तरह के नेचर होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं बैलिस्टिक नेचर, एक जिसे हम कहते हैं बैलिस्टिक प्रवृत्ति, और दूसरा जिसे हम कहते हैं क्रूज प्रवृत्ति। बैलिस्टिक प्रवृत्ति के जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं, मान लीजिए एक सतह है, बैलिस्टिक प्रवृत्ति के प्रक्षेपास्त्र जो होते हैं वो परवलयाकार पथ से जाते हैं, लेकिन वहीं पर जब क्रूज प्रक्षेपास्त्र होते हैं वो सतह के समानांतर चलते हैं। परवलयाकार का मतलब ये देखिए, ये अपने वातावरण को बदलता हुआ ऊपर जा रहा है, और ये देखिए अपने वातावरण को बदलता हुआ नीचे आ रहा है। यानी कहने का अभिप्राय है कि जो बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र
प्रक्षेपास्त्र होते हैं वो हर समय अपने वातावरण को बदलते रहते हैं। अक्रूज प्रक्षेपास्त्र जो होते हैं एक ही वातावरण में हमेशा चलते रहते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया बैलिस्टिक अक्रूज प्रक्षेपास्त्र का, जो आप याद रखेंगे। एक्चुअल में जो ये पांच प्रक्षेपास्त्र IGM-DP कार्यक्रम के अंतर्गत आए थे, इसलिए चारों के चारों पेपर वलयाकार वाले थे, ये याद रखेंगे। यानी अग्नि भी आपका कौन सा है, परवलयाकार का है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, परवलयाकार का है। इसी अग्नि पी में एक अग्नि में एक नया इंप्रूवमेंट आया है, जहां जो अग्नि वन था और अग्नि टू था, इसी को और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंप्रूव करते हुए इन दोनों को अग्नि पी के फॉर्म में लाने की कोशिश की। और क्यों ना लाएं दोस्त, समय के साथ साथ और जो राष्ट्र होते हैं वो अपनी प्रतिरक्षा तकनीकी को विकसित कर रहे हैं और ज़्यादा आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं। तो भारत अपने पुराने अग्नि वन अग्नि टू को लेके क्यों बैठा हो, भारत भी समय के अनुरूप है ना चीजों को और इंप्रूव करता है, वहीं पर इंप्रूवमेंट में अग्नि पी आता है। अब देखो डीआरडीओ ने एक नई पीढ़ी का परमाणु सक्षम का मतलब होता है जो एटम बम लेके जा सके, ठीक है, एटम बम लेके जा सके। असल में जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक जो सामान्य गोला बारूद लेकर जाते हैं, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल वॉरहेड। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल वॉरहेड मतलब जो सामान्य गोला बारूद लेकर जाते हैं। और दूसरा जिसे कहते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड का मतलब होता है जो नाभिकीय हथियारों को लेकर जाते हैं। वॉरहेड हिंदी में कहते हैं गोला बारूद। तो ये कह रहा है परमाणु सक्षम मतलब ये एटम बम लेकर जाते हैं, चीज ध्यान रखिएगा। इसका सफल परीक्षण जो हुआ है उड़ीसा के APJ कलाम द्वीप से हुआ है। यही कलाम द्वीप जिसका पहले नाम जो था वो क्या था, व्हीलर द्वीप था, है ना, व्हीलर द्वीप था, जो कि बालासोर उड़ीसा में पड़ता था, जिसका नाम कलाम साहब के नाम पर APJ कलाम द्वीप के नाम से दिया गया। यहां पर इसका सफल परीक्षण कर हाल ही में देखा गया, जो आज समसामयिकी का क्वेश्चन है और मैं आपके सामने यहां पर वो वीडियोस पढ़ा रहा हूं। अब देखिएगा अग्नि पी के बारे में मैंने कुछ चीजें आपको बता दी हैं। ये पूरी तरह से जो है ये मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है, मध्यम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। तो बैलिस्टिक तो मैंने आपको बता दिया जो परवलयाकार पथ से जाता, मध्यम दूरी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक होता है कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र, एक होता है मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र, एक होता है इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट रेंज, ठीक है, इंटरमीडिएट, और एक होता है इंटरकॉन्टिनेंटल यानी अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल। कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र जो 0 से होकर 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाता है, समझिएगा। मध्यम दूरी जो 500 किलोमीटर से ज्यादा है और लगभग 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जाता है, ठीक है। वहीं पर इंटरमीडिएट होता है जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा जाता है और लगभग 5500 किलोमीटर तक जाता है। और जो अंतर महाद्वीपीय होते हैं वो 5000 या 5500 किलोमीटर के ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है। असल में मध्यम दूरी की बात हो रही है तो डेफिनेटली जो रेंज होगा अग्निपी का वो 500 से ज्यादा और 2000 किलोमीटर के रेंज में आएगा, ठीक है। तो ये मध्यम दूरी का मतलब 500 से ज्यादा, तो अभी मैं आपको अगली पीपीटी में बताऊंगा इसकी दूरी लगभग 1000 से 2000 के बीच की है किलोमीटर जाने की। और एक बात बताऊं कि डीआरडीओ ने असल में किया क्या है, अग्नि वन अग्नि टू की मिसाइलों के उत्तराधिकारी के रूप में यानी उसके इंप्रूव करने के रूप में अग्नि पी को लाया है, ठीक है। और आपको बताऊं तो बैलिस्टिक मिसाइल जो अग्नि पी है ये अग्नि का कुल श्रृंखला का छठा मिसाइल है, क्यों, क्योंकि पहला मिसाइल अग्नि वन था, दूसरा अग्नि टू था, तीसरा अग्नि थ्री था, चौथा अग्नि फोर था, पांचवा अग्नि पांच था और छठा जो है वो अग्नि पी है, ठीक है। तो मिलाकर मैं कह सकता हूं कि जो अग्नि पी है वो अग्नि की श्रृंखला का छठा मिसाइल है। इन सबके बारे में छोटा छोटा मैं आपको स्टेटमेंट अभी बताने वाला हूं। दूसरी चीज बता दूं, अग्नि पी जो है दोहरी निरथक नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ दो चरणों वाली कनस्थीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए एक चीज बता दूं, दोहरी निरथक नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली, यानी कहने का मतलब है ना, कहने का मतलब है कि अपने अपने मतलब अपने इसी गुणवत्ता की बात करें तो अपने डायरेक्शंस को दो तरीके से बदल सकता है, ठीक है। तो दोहरी निरर्थक नेविगेशन, ठीक है, और दूसरा मार्गदर्शन प्रणाली, ये आसानी से अपनी नेविगेशन को बदलने की तकनीकी रखता है, इसलिए तो दोहरी निरर्थक नेविगेशन मार्गदर्शन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये कनस्त्रीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है। कनस्त्रीकृत क्या होता है मैं आपको बताऊं, कनस्त्रीकृत नेचर जो बात हो रही है वो अग्नि पी के लिए जरूर आता है। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सा मिसाइल है हाल ही में जो कनस्त्रीकृत कनस्त्रीकृत प्रणोदक तकनीक पर आधारित है, तो आंसर बोलेगा अग्नि पी। अग्नि पी में कनस्त्रीकरण होता क्या है, आसान शब्दों में अगर हम लोग कनस्त्रीकरण की बात करें तो मैं आपको बता दूं, कनस्त्रीकरण मिसाइल को लॉन्च करने के लिए आवश्यक समय को कम कर सकता है, ठीक है। कहने का सीधा अभिप्राय है कि कम से कम समय में मिसाइल को लॉन्च कर पाने के लिए कनस्त्रीकरण प्रक्रिया जो है इस मिसाइल की वो काफी ज्यादा सहायक है। और इससे क्या होता है, असल में इस प्रक्रिया से हम अग्नि पी को काफी दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसकी जो एक्टिविटी है परफॉर्मेंस गतिशीलता है उसको भी काफी हद तक सुधार सकते हैं।
ठीक है, किसी मिसाइल को काफी दिन तक सुरक्षित कर पाना इज नॉट इजी टास्क, तो वही मैं कह रहा हूं यहां पर यह भी कर रहे हैं। इसकी सीमा जो है लगभग वो 1,000 से 2,000 किलोमीटर, इसका रेंज कितना है 1,000 से 2,000 किलोमीटर का है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बोला था, 1,000 से 2,000 के बीच का मतलब मध्यम दूरी, मीडियम रेंज, ठीक है। और दूसरा आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ध्यान में रखा गया है कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान में काफी अच्छे खासे लक्ष्यों तक, अच्छे खासी दूरी तक ये पहुंच सकता है, ठीक है। और अग्नि, अग्नि पी का अगर हम वजन देखें, मतलब पूरे अग्नि, अग्नि मिसाइल का जो वेट देखें अग्नि पी का, वो अग्नि थ्री के, हम गोला बारूद की बात नहीं कर रहे हैं, अग्नि का बिना गोला बारूद अगर हम वेट की बात करें तो 50% अग्नि थ्री मिसाइल से कम भी है। और क्षमता देखो, इसीलिए कह रहा हूं इसका वेट अग्नि थ्री से कम होने की वजह से इसको आप किसी रेल से या किसी सड़क से भी लॉन्च कर सकते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, तो ये थोड़ी गुणवत्ता है याद रखिएगा, ठीक है, ये गुणवत्ता है जो याद रखिएगा। देश की रक्षा प्रणालियों के लिए एक बड़ी संपत्ति बन सकती है ना, ये बहुत बड़ा एक एसेट है देश के लिए, जो हमने अभी इसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। पैंतरेबाजी, सटीकता, सही मापदंड, इन सब क्षेत्रों में अग्नि को हमने और इम्प्रूव किया है अग्नि पी के रूप में, ठीक है। ये कुछ अग्नि पी के की जो गुण है उस बारे में बता रहा हूं। यहां पर मैं आपको बता दूं, मिसाइलों में अगर हम अग्नि की बात करें, ठीक, अगर हम मिसाइलों में अग्नि की बात करें तो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, अग्नि में कई अग्नि है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अग्नि वन, अग्नि टू, अग्नि थ्री, अग्नि फोर, अग्नि, ये आपको मिसाइल में कई तरह के मिसाइल दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखिएगा कई तरह के मिसाइल, अग्नि वन, अग्नि टू, अग्नि थ्री, अग्नि फोर, अग्नि फाइव, यहाँ देखिए ये इनके कितने कितने सब करीब करीब 1,000 किलोग्राम का गोला बारूद ले जा सकते हैं। सिर्फ अग्नि थ्री और अग्नि फाइव आपको ऐसा दिख रहा है जहाँ 150-150 के आसपास है, ठीक है। वहीं अगर मारक क्षमता हम देखें तो अग्नि वन का क्या है, 700 से 1200 है ना। इसको देखो इस तरह से याद करने से अच्छा होता है, मैं आपको बता दूं, अग्नि 1,000, अग्नि 2,000, अग्नि 3,000, अग्नि 4,000, अग्नि 5,000, ये मिलाकर सारे के सारे अग्नि मिसाइल के जो डिस्टेंस है ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, जो सारे डिस्टेंस है ऐसे याद रखिएगा। इस तरीके से याद करवाना आसान नहीं होता, 700 से 1200, 2000 से 2500, 2500 से, ऐसे कौन याद रखता है, ये तो बेवकूफों का तरीका हो जाता है। कहीं कल को मान लो 2500 नहीं 3000 था क्या, ऐसा होने लगेगा। और अगर मैं आपको तरीका दूं, अग्नि थी 3000, अग्नि 4000, अग्नि पर 5000, तो सीधा आप कह रहे हो अग्नि 5000 का मतलब ये 5000 को टच कर रहा है, तो पक्का ये अंतर महाद्वीपीय होगा। अभी मैंने आपको पीछे पैरामीटर क्या बताया था, अगर अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र है तो वो 5000 के ऊपर होगा। यहाँ देखो 5000 के ऊपर टच कर रहा है अग्नि 5 देखो। और वहीं पर आपको बताऊं एक चीज और प्रणोदक के बारे में, प्रणोदक क्या होता है, प्रणोदक क्या होता है, जब कोई प्रक्षेपण यान, सुनिएगा, जब कोई प्रक्षेपण यान है ना, यानी लॉन्च व्हीकल किसी सैटेलाइट को, उपग्रह को लेकर ऊपर जाता है, या कोई प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल जब किसी गोला बारूद के लेकर जाता है तो उसके अंदर प्रणोदकों का प्रयोग होता है। प्रणोदक का मतलब होता है ईंधन प्लस ऑक्सीकारक। प्रणोदक का क्या मतलब होता है, ईंधन प्लस ऑक्सीकारक। ईंधन प्लस ऑक्सीकारक क्या होता है, ईंधन प्लस ऑक्सीकारक का मतलब होता है मित्र कि जो ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं वो भी साथ जाते हैं। क्यों जाते हैं, आप सबको पता है कि ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता है, ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता और हाइट पर जा रहा होता तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ईंधन नहीं जलेगा। बचपन में हम लोगों को मास्टर जी ने क्या पढ़ाया था, बचपन में हमको गुरु जी ने पढ़ाया था मेरे गांव में कि बच्चा जानते हो ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है ईंधन के जलने के लिए। यहां तो हमारे ईंधन को जलाने की ऑक्सीजन की दिक्कत है नहीं, लेकिन एक बात बताओ, ऊपर अगर ऊपर जाओगे तो ऊपर ऑक्सीजन है आपको, नहीं है तो नहीं है तो तुम लोग ऑलरेडी एक ऑक्सीजन भी साथ लेके चलोगे। तो कभी भी किसी प्रक्षेपण यान में और कभी किसी प्रक्षेपास्त्र में आप ईंधन ना बोलिएगा, आप साइंटिफिकली गलत हैं, आप प्रणोदक बोलिएगा। अब समझ में आ गया, जो ऑक्सीजन भी उनके साथ रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा ईंधन को जलाने में मदद करेगा और ऊपर आसानी से उपग्रह जो होगा वो जाता रहेगा प्रक्षेपण यान की मदद से, और जो गोला बारूद प्रक्षेपास्त्र से जाता रहेगा इन सब प्रणोदकों की मदद से। जो प्रणोदक होते हैं एक्चुअल में उनमें डिफरेंट प्रवृत्ति के ईंधन यूज किए जाते हैं। ईंधन तीन प्रवृत्ति के होते हैं, ठोस कोयला, द्रव पेट्रोल डीजल, गैस सीएनजी पीएनजी, ये सब। तो हम ये बोल रहे हैं जनरली हम लोग जब किसी प्रक्षेपास्त्र में या प्रक्षेपण यान में अगर हम बात करें, जब भी हम ईंधन यूज करते हैं तो वो या तो ठोस या द्रव के रूप में यूज करते हैं, याद रखिएगा। काहे हैं, क्योंकि गैसीय प्रवृत्ति का जो ईंधन होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। गैसीय पार्टिकल जो होते हैं कण, वो दूर दूर होते हैं, तो जब आप ले जाएंगे तो उनके पार्टिकल एक दूसरे के साथ घर्षण कर क्या करते हैं, जल भर सकते हैं। तो बताओ तुम्हारा चंद्रयान 380 करोड़ रुपया फेल हो जाएगा, तुम्हारा मंगलयान 450 करोड़ रुपया लगाया फेल हो जाएगा, तो बताओ ये सब ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जनरली मिसाइलों में यानी प्रक्षेपास्त्रों में और प्रक्षेपण यानों में हम लोग एक्चुअल में ठोस या द्रव प्रवृत्ति का ही प्रणोदक यूज करते हैं। तो और ये प्रणोदकों को भी अलग अलग चैम्बर में रखते हैं, अलग अलग चैम्बर में, अगर एक चैम्बर में रखते हैं तो एकल प्रणोदक, दो चैम्बर में रखते हैं तो डुअल स्टेजेस, दो है तो डुअल स्टेजेस, और अग्नि पांच में देखिए तीन लिखा हुआ था, तीन स्टेजेस, और हर स्टेज में ठोस ठोस प्रणोदक ही होते हैं। ये इनके आधार पर हम प्रणोदकों को वर्गीकृत करते हैं। अब देखिए कनिष्ठ आधारित प्रक्षेपण प्रणाली जो कि अग्नि पी का मेन महत्वपूर्ण गुण है, इसको आप ध्यान रखिएगा,
ठीक है, कनस्टर आधारित जो प्रणाली है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जरा इधर सुनिए, कनस्टर आधारित होता है असल में क्या होता है, किसी कनस्टर आधारित प्रक्षेपण प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है, जो एक परिवहन कंटेनर के रूप में काम करता है, मतलब कहने का अभिप्राय है जो स्क्रीन पे देख सकते हैं, परिवहन कंटेनर का मतलब होता है जो इसको ऊपर ले जाने में मदद करता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, एक परिवहन कंटेनर के रूप में कार्य करता है, एक जहाज पर भंडारण के दौरान बचाव करता है और परिचालन में लचीलापन देता है। यानी कहने का मतलब है जब एक जहाज पर है ना किसी तरह पर अगर कोई भंडारण किया जाए तो भंडारण के टाइम में उसको सुरक्षित रखने के लिए ईंधन उधन का भंडारण का मतलब ईंधन से युक्त, और परिचालन में लचीलापन का मतलब होता है कि जैसे से ऊपर जा रहा हो उसको ले जाने में मदद करे। इन सारी चीजों को मिलाकर हम कनस्तर आधारित प्रक्षेपण प्रणाली कहते हैं। तो एक्चुअल में अग्नि पी जो है इतना नहीं जाएगा कनस्तर आधारित में, क्या कहिए आप कनस्तर आधारित टर्म याद रखिएगा, उसके अंदर ये तीनों चीजों का समावेश होता है और इन तीनों के सम्मिश्रण से ही कनस्तर आधारित प्रक्षेपण प्रणाली होती है। अब कनस्तर आधारित जो प्रक्षेपण प्रणाली है ये दो तरह की हो सकती है, या तो गर्म करके ये उसको उठाए ईंधन को जलाए, और या तो ठंडे तरीके से ये ईंधन को गर्म करके फिर ऊपर ले जाए। अब अगर ठंडा कनस्तर प्रक्षेपण प्रणाली है तो मिसाइल को गैस जनरेटर द्वारा उत्पादित गैस द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर ठंडे कनस्तर प्रणाली में मिसाइल के अंदर कुछ नहीं होता, मिसाइल के बाहर गैस जनरेटर होता है जिस गैस जनरेटर की मदद से मिसाइल को ऊर्जा देकर मिसाइल को उठाया जाता है। लेकिन गर्म कनस्तर प्रणाली में क्या होता है, मिसाइल के अंदर एक सेल होता है वही उसको ऊर्जा देता है ताकि वो उठ के आगे जाए। लेकिन मैं आप सबको बताऊंगा जो ठंडा है कोल्ड लॉन्च है, ठंडा वाला लॉन्च या कनस्तर प्रणाली है वो गर्म वाले प्रणाली से काफी गुना ज्यादा क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, होता क्या है, क्योंकि हॉट लॉन्च के समय जब हॉट कनस्तर प्रणाली होता है वो मिसाइल उस समय काफी गर्मी में आता है, और गर्मी होने की वजह से मिसाइल के फिलामेंट वगैरह हो सकता है कुछ जल जाएं और मिसाइल सफल भी ना हो। इसीलिए कोल्ड वाला मैं कनस्तर बता रहा हूं ये काफी सुरक्षित है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अग्नि के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, IGMDP का है 1993, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं, आगे अगले वीडियो आपके साथ फिर मुलाकात होगी। फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आप UPSC CSE कोर्सेज के लिए आप ये डिफरेंट जो टेस्ट सीरीज है उसमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, और टेस्ट सीरीज आपको देना चाहिए, जो आपने पढ़ाई की है उसका इवैल्यूएशन आप देख लोगे। ये रवि UPSC कोड है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट 10% यहां पर ले लीजिए। जहां पर मैं आपको बता दूं मेरा जो कोर्स है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है अनअकैडमी पर। पहले आप बार बार पूछते थे कि रवि सर अनअकैडमी पर हैं कि सिर्फ वीडियो ही बनाएंगे, तो अब रवि सर आपको वीडियो बना तो रहे हैं और यहां वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स दे रहा हूं, उसके अलावा लाइव क्लासेस जो आप मुझे पहले क्लास टू क्लास में सुनते थे अब आप मुझे यहां पर अनअकैडमी पर लाइव सुन सकते हैं, और काफी बच्चों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, खटाखट जुड़ते जाइए मेरे साथ दोस्त है ना। अब देखिए साइंस अटैक क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आज तक आपने क्या किया है। विज्ञान तकनीकी के प्लस कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, 21 दिसंबर से कोर्स शुरू हो चुका है, मेरा एनरोलमेंट रवि UPSC कोर्स से है, कर लीजिए फटाफट। ये कोर्सेज है गुरुकुल NCERT 2022 का कोर्स शुरू हो गया, बड़े बड़े इंटेलिजेंट एजुकेटर्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहां 22 दिसंबर से हमारा UPSC का नया बैच शुरू हो रहा है, UPSC CSE 2022-2023, डिफरेंट एजुकेटर्स, वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टीज यू कैन सी हियर। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए, यहाँ पे मेंटरिंग आपको मिलती है, एक अच्छा एक अध्यापक आपको मिलता है जो आपको बार-बार वॉच करता है, आपके प्रीलिम्स का मेंस की प्रिपरेशन करता है, मेंस क्वेश्चन आंसर में प्रैक्टिस करता है, आपकी हर समय आपके साथ होता है, आपकी मदद करता है। लोन फैसिलिटी भी आपको अकेडमी देता है जहां पर 0% इंटरेस्ट के साथ बहुत सारे विदाउट प्रोसेसिंग फीस डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको मिल जाता है, अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो ये आपके पास है। इसके अलावा कोर्सेस प्लस और आइकॉनिक के प्राइसेस आप देख सकते हैं, पर फिर भी मैं बोलूंगा बार बार बोलता हूं आइकॉनिक कोर्स की जिंदाबाद। आप थोड़े से पैसों के चक्कर में क्यों थोड़ा सा सस्ता प्रोडक्ट लेते हैं या जो भी करते हैं व्हाटएवर स्टडी करते हैं, तो आइकॉनिक लीजिए और पूरी हेल्प लीजिए और रवि UPSC कोड यूज कीजिए, एंजॉय कीजिए। और ये लास्ट में आपको बता दूं कि जनरल स्टडीज के अलावा आपके ऑप्शनल सब्सक्रिप्शंस में भी आपको छूट मिलती है, या फिर डिफरेंट मंथ के सब्सक्रिप्शंस हैं, देख लीजिए किस हिसाब से जाना है। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका PDF अपलोड है, वहां से आप सीधा ले लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद मत कीजिए। UPSC निकालना है एक साल में तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए और ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। यह अनअकैडमी का प्रोफाइल है जहां पर लाइव क्लासेस अवेलेबल है, academy.com/rvpagrady2010, ये मेरा पासकोड है रवि UPSC। जाते जाते मुझे भूल मत जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, घंटा मेरा बजा दीजिए और लाइक और शेयर करते जाइए, PDF टेलीग्राम से ले लीजिए, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का ध्यान रखिए, छोटों को प्यार करते रहिए, जमकर UPSC की तैयारी कीजिए और इस बार निकाल के दिखाइए। तो चलिए अगले वीडियो आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, हैव अ गुड डे।